और एसीबी मुख्यालय से खबर है बड़ी, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की जा रही है। एसएमएस अस्पताल की डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर छापेमारी शुरू है। रंजन लांबा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, झुंझुनू में 3 और जयपुर में 2 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। डीजी राजीव शर्मा के निर्देश पर एसीबी की दर्जनों टीम मैदान में है। चूरू, झुंझुनू, सीकर की 3 टीमें कर रही है सर्च। एक मकान और एक फार्म हाउस पर भी सर्च की कार्रवाई जारी है। डॉक्टर रंजन लांबा के भाई भी हैं सरकारी चिकित्सक। झुंझुनू के स्पार हॉस्पिटल पर भी एसीबी कर रही है सर्च। अब रंजन लांबा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है। वेरिफिकेशन के दौरान सही पाई गई है सभी शिकायतें और शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी कर रही है रेड। तो 5 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, झुंझुनू में 3 और जयपुर में 2, और इसके अलावा कई और जगह सर्च की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि चूरू, झुंझुनू, सीकर की 3 टीमें सर्च कर रही हैं और एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रंजन लांबा के पास से आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद ये टीम अब छापेमारी कर रही है और हो सकता है कि इस छापेमारी के बाद कई बड़े खुलासे भी हों। संपत्ति से अधिक होने के बाद ये छापेमारी की जा रही है। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर ये छापेमारी है। आपको बता दें कि 5 ठिकानों पर अब तक छापेमारी चल रही है, झुंझुनू में 3 और जयपुर के 2 ठिकानों पर। और मेरे सहयोगी विनय पंत और संदीप केडिया दोनों मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले चलते हैं विनय के पास में और जानकारी जुटाते हैं। विनय, लगातार छापेमारी की जा रही है, एसीबी मुख्यालय से जानकारी मिल रही है, आय से अधिक संपत्ति रखी गई है एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा ने। अब क्या कुछ फिलहाल की जानकारी में मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर हैं रंजन लांबा, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत एसीबी मुख्यालय को मिली थी। शिकायत का सत्यापन किया गया, उस दौरान शिकायत सही पाई गई और उसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पे एसीबी ने दर्ज किया और आज रेड कंडक्ट की जा रही है। जिस तरह से एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि झुंझुनू में 3 और जयपुर में 2 ठिकानों पर जो रेड है वो जारी है और करोड़ों रुपए की जो काली कमाई है वो इसमें उजागर होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि दोपहर बाद ही ये क्लियर हो सकेगा कि कितनी काली कमाई यहाँ पे उजागर हुई है, लेकिन जिस तरह से शिकायत प्राप्त हुई और उसका जब सत्यापन किया गया तो सत्यापन में ये चीजें सही पाई गई कि जो डॉक्टर रंजन लांबा है उनके पास उनकी आय से अधिक संपत्ति है। हालांकि कितनी अधिक संपत्ति है इसका खुलासा एसीबी दोपहर बाद करेगी, लेकिन एसीबी की जो अनेक टीमें हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। लगातार सुबह से जो सर्च है उसकी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जो एसीबी के डीजी हैं राजीव शर्मा, उनके सुपरविजन में ये पूरी जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। जी ठीक है विनय, आप बने रहिए मेरे साथ। संदीप केडिया भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। संदीप, 5 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, 3 टीम गई है चूरू, झुंझुनू, सीकर की 3 टीमें सर्च कार्रवाई भी कर रही है। क्या उनके परिवार का कोई सदस्य वहां पर मौजूद है, उनसे कोई बातचीत हो पाई या उनकी कोई मिली भगत इसमें बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि 3 जगह पर सर्च चल रहा है एसीबी का, सीकर, चूरू, झुंझुनू, तीनों टीमें अलग अलग जगह पर सर्च कर रही है। गुड़ा रोड, जो झुंझुनू शहर की गुड़ा रोड है, रेलवे फाटक है, उसके पास ही इनका हॉस्पिटल है, स्पार हॉस्पिटल, वहां पर एक टीम कार्रवाई कर रही है। दूसरी उसी हॉस्पिटल के पास उनका मकान है, उस पर दूसरी टीम कार्रवाई कर रही है और इससे कुछ करीब 5 या 7 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है, जो आलिशान फार्म हाउस है, उस पर तीसरी टीम कार्रवाई कर रही है। तो 3 टीमें अलग अलग कार्रवाई कर रही है, सर्च कर रही है। हालांकि अभी तक एसीबी के अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं क्योंकि मामला जयपुर से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जैसा मेरे साथी ने बताया कि 2 ऐसे जगह है जब जयपुर में भी सर्च हो रही है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है और आय से अधिक संपत्ति का मामला है। जो तीनों चीजें झुंझुनू में स्थित है वो भी आलिशान है, करोड़ों रुपए की संपत्तियां हैं। और ना केवल रंजन लांबा, मैंने जैसे पहले भी बताया दर्शकों को, ना केवल रंजन लांबा बल्कि उनके एक चचेरा भाई है डॉक्टर अभिषेक लांबा, वो भी सरकारी सेवाओं में है। इसके अलावा उनके जो पिता है वो भी रिटायर्ड है, एक कंपाउंडर है, पशु एलएस बोलते हैं जिनको, वो पशु कंपाउंडर, पशु चिकित्सालय में कार्यरत थे। तो एक
छोटी सी नौकरी थी, लेकिन आज करोड़ों का जो साम्राज्य है, करोड़ों रुपए का साम्राज्य वो स्थापित कर रखा है। बड़ी संख्या में जमीनें जगह जगह पर इनके द्वारा खरीदी हुई है और इनके फार्म हाउस, जमीनें वगैरह सभी है। सभी के जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है एसीबी। और उसके बाद जब दोपहर तक, मेरे को अंदाजा है कि एसीबी दोपहर के बाद तक इस मामले में पूरा खुलासा करेगा और एक बड़ी कार्रवाई है वो है, जिसके कारण पूरे पूरे झुंझुनू में हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, संदीप बने रही हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी ले रहे हैं। विनय, मैं आपका आपके पास आना चाहूंगी, क्या अब से पहले इस तरीके की कोई जानकारी मिली नहीं थी टीम को, या एकदम से जानकारी मिली है और अब तक तो काफी ज्यादा संपत्ति इन्होंने रख ली है, जैसा कि जानकारी मिल रही है आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं कि फार्म हाउस भी है और अलग अलग ठिकाने, कितने घर बनाए होंगे और कितनी मोटी रकम इनके पास से मिल सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी वाकई देखिए, एसीबी को अभी कुछ समय पहले ही शिकायत मिली कि जो चिकित्सक है रंजन लांबा, जो कि मेडिकल ऑफिसर है, इनके पास काफी काली कमाई है। और शिकायत के जैसे ही शिकायत मिली, इसके तुरंत बाद उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें शिकायत सही पाई गई और फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद आज एसीबी की जो टीम है वो रेड कंडक्ट कर रही है। अब देखना यही होगा कि सर्च के दौरान क्या क्या चीजें सामने आती है, कितना कैश, कितनी ज्वेलरी और कितनी प्रॉपर्टी जो है वो सामने आती है। जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि काफी बड़ी प्रॉपर्टी उनकी है, आलिशान फार्म हाउस है, एक हॉस्पिटल भी बता रहे हैं जहाँ पे रेड की जा रही है, आलिशान मकान बताया जा रहा है। तो काफी काली कमाई इन्होंने जो है अर्जित की है, और क्योंकि वेरिफिकेशन के दौरान भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि काफी बड़ी तादाद में काली कमाई इन्होंने अर्जित की है। अब देखना ये होगा कि कितने करोड़ों की काली कमाई को इसी भी यहाँ पे उजागर कर पाती है। ठीक है विनय और संदीप, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कितनी काली कमाई, गाड़ी कमाई छिपा रखी होगी।